अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त क्रिस्पी मैदे से बनने वाले रिंग्स। है ये बच्चों के बहुत फेवरेट और इफ्तार के लिए आप लोग स्टोर करके रख सकते। चलिए बनाना शुरू करेंगे। कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत टेस्टी बन के रेडी होते ये। अब देखिए 1.5 कप पानी ले लेंगे, फ्लेम ऑन है। एक बर्तन में 1.5 कप पानी ले लेना है। अब ये पानी को अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ेंगे। देखिए बॉईल होने लग रहा पानी। अब इस बेस पर नमक ऐड कर देना है, 1 टीस्पून देखकर ऐड कीजिए नमक। अब उसके साथ ही अजवाइन ले लेंगे 1 टीस्पून, ये भी थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे। अब ये देखिए येल्लो फूड कलर ऐड करेंगे, 1 चुटकी जितना येल्लो फूड कलर। जो रिंग्स रहते येल्लो कलर में रहते, इसलिए येल्लो फूड कलर ऐड कीजिए। अब इसको बॉईल होने के लिए छोड़ेंगे। देखिए पानी अच्छे से बॉईल होना है इस तरीके से। इस बेस पर 1 कप मैदा ऐड करूंगी मैं। अब इसको मिक्स करेंगे। अगर थोड़ा सा और ऐड करना है तो 1/2 कप ऐड करेंगे। टोटल 1.5 कप पानी और 1.5 कप मैदा ले लेना है। अब इसमें और 1/2 कप मिला लूंगी मैं। 1/2 कप मिला लिए तो टोटल 1.5 कप मैदा हो गया ये। अब इन सबको मिक्स करेंगे। अब फ्लेम ऑफ कर देना है। इस तरीके से ही मिलाते जाइए, बराबर हो जाता है ये। क्यों बोल तो गर्म है पानी, इसलिए चम्मच की मदद से ही इस तरह से मिक्स करेंगे। आटा भी बहुत गर्म हो जाता है ये। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा होना है ताकि हाथ अपने को आटे को इस तरह से लग सके। इस बेस पर आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए, लेकर इस तरीके से मिक्स कर देना है। देखिए आप लोग को बताऊंगी मैं इस तरह से। अब इसको राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। मैं आप लोग को और एक बताऊंगी और किस तरीके से बनाना है। ये चेक कर लिए अपन कि अच्छे से आटा हमारा अच्छे से पक गया। ये अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको कवर करके थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कीजिए। देखिए इस तरह से लंबे शेप में प्रेस करते जाना है, थोड़ा सा बारीक बारीक करते हुए। जो रिंग्स का शेप रहता उस तरीके से प्रेस करते जाएंगे। देखिए आप लोग को बताऊंगी मैं किस तरीके से बन जाते ये रिंग्स। बहुत टेस्टी और बहुत ईजीली बनकर रेडी होते हैं। देखिए कितना परफेक्ट साइज़ आ गया ये रिंग्स का। इस तरीके से ही बताऊंगी मैं और एक बतलाऊंगी। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाना है, प्रेस करते जाएंगे। ऐसा एक उंगली में इस तरह से राउंड से बना लीजिए। देखिए कितना अच्छा शेप आने लगा। इस तरह से पूरे बना लेंगे। पूरे बनाकर बताऊंगी मैं। इतने ईजीली बनकर रेडी होते ही है। देखिए कितने अच्छे एकदम सॉफ्ट रिंग्स बनकर रेडी हो गए, एकदम क्रिस्पी। देखिए कितने परफेक्ट और कलर भी बहुत अच्छा आ गया इयर रिंग्स का, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनकर रेडी हुए थे। चलिए अब इन सबको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। पूरे एक साइड रख लेना है बनाकर। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाना है, हाई टेम्परेचर पर। गर्म होने के बाद ही आप लोग इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से पलटा लेते जाना है। अब इसका कलर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। थोड़ा सा फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है ये। चलिए अब इसको निकाल लूँगी मैं। देखिए कितने एकदम टेस्टी और क्रिस्पी रिंग्स बनकर रेडी हो गए। मैदे से बिल्कुल 1.5 कप में बनाकर रेडी कर चुके अपन बहुत सारे रिंग्स। आप लोग रमज़ान के लिए बनाकर भी रख सकते हैं। इफ्तार में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, या नहीं तो स्नैक्स के तौर पर भी बच्चों को दे सकते। देखिए कितने टेस्टी और ज़बरदस्त रिंग्स बनकर रेडी हो गए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह से ही मिलूँगी मैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।